क्या हाल चाल है आपके? आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, कहाँ गायब थे इतने अरसे से? भाई वैसे जरबाब भाई तो बड़े अच्छे लग रहे थे दूल्हा बनके। आपकी बारी कब आएगी? मैं तो तैयार बैठा हूँ, लेकिन जालिम समाज सुनता ही नहीं हमारे। हैं नोई ने क्या बोला है तुम्हारे भाई? छोड़ो यार, तुम्हें पता नहीं है भाई का मजाक करते रहते हैं। अच्छा ये देखो, मेरी भाभी भी कितनी अच्छी लग रही थी, है ना? हाँ मैं देखती हूँ। ये भाभी है तुम्हारी? हाँ ये मेरी भाभी है। ये देखो ये इस जोड़े में कितनी प्यारी लग रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह सब बोल रहे थे पता है। नहीं वो असल में मुझे लगता है कि मैंने इनको कहीं देखा है। कहीं किरण किरण नाम तो नहीं है इनका? तो तुम्हें नाम कैसे पता मेरी भाभी का? हाँ अगर ये वही किरण मुश्तबा है जो गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी सीनियर थी, फिर तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। और पता है क्या, ये बड़ी ही पटाखा चीज थी और पूरे कॉलेज में ना पता नहीं पटाखा के नाम से फेमस भी थी। वैसे तुम्हारे भाई को कहाँ मिली है? लव मैरिज है क्या? गवर्नमेंट कॉलेज। देखो देखो तुम वाकई इनकी बात कर रही हो, इन्हें जानती हो तुम? और क्या क्या जानती हैं आप इनके बारे में? पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी, 2-3 बार बीए में फेल होने के बाद भी कॉलेज का पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने। और पता है क्या, हर साल ना नए सर से एडमिशन लेके दोबारा कॉलेज आ जाती थी। अब पता है क्या, हर कोई कहता था कॉलेज पढ़ने नहीं बल्कि टाइम पास करने के लिए आती है। सॉरी यार, तुम लोगों को भी बुरा लग रहा होगा ना अपनी भाभी के बारे में ये सब सुन के। नहीं नहीं तो तुम चाय लो ना, मैं एक काम करती हूँ, कुछ और तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। जहे नसीब जहे नसीब, ए, आपने हमारे गरीब खाने पे कब कदम रखा? अस्सलाम वालेकुम सर बाब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और किरण तुम कैसी हो? मुबारक हो आप दोनों को शादी की, ट्रीट कब दे रहे हैं? जवाब कहें जहां आप कहें, पहले इस बात का जवाब दें शादी पे क्यों नहीं आई आप? वो असल में डैड की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ सकी। और किरण तुम कैसी हो? तुम्हें पता है मुझे अभी नवीन से पता लगा कि तुम्हारी शादी जो है ना वो सरबाब भाई से हुई है। आप जानती हैं किसे? हाँ मैंने भी नवीन को बताया कि किरण मेरी कॉलेज में सीनियर थी। क्या कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो पहली बार आपको देख रही हूँ और आप इतना फ्री क्यों हो रही हैं मुझसे? मैं तो नहीं जानती ने। ये क्या कह रही हो किरण, तो मेरी कॉलेज में सीनियर थी ना, हमने तो कितनी दफा बस में एक साथ ट्रेवल किया, भूल गई क्या? कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो आज तक बस की शक्ल भी नहीं देखी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मतलब तुम किसी और किरण के बारे में बात कर रही होगी, मैं वो नहीं हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो किरण, हम तो कई बार मिल चुके हैं ना। एक सेकंड क्या हो गया? जब मैं कह रही हूँ वो किरण नहीं हूँ तो फिर आप क्यों मेरे पीछे पड़ रही है? मैं समझा रही हूँ ना आपको, कोई गलत फहमी हुई, मैं वो किरण नहीं हूँ। बिगड़ क्यों रही? मैं बिगड़ नहीं रही हूँ, आप बात नहीं सुन रहे हो उनकी। जबरदस्ती पता नहीं मुझे कौन सी किरण समझ रही है। मैं इतनी बार कह चुकी हूँ कि मैं वो किरण नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं किस हमशक्ल से मुझे मिलाए जा रही है। अच्छा जरा सी बात पे इतना गुस्सा करना मुनासिब नहीं। नहीं ये जरा सी बात नहीं है, मतलब पता होना चाहिए ना इंसान क्या कह रहा है। हमें डिनर पे जाना है, मेरा मूड ऑफ हो रहा है, चले ना हम चलते हैं। चले ना। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए।